नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देसी उपाय में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पेड़ लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पोषण से भरपूर पपीता कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। पाचन या भूख न लगने की समस्या से जूझ रहे लोगों को हर कोई पपीता खाने की सलाह देता है। पपीता पक्का हो या कच्चा, इसके अनेक फायदे हैं, लेकिन कई बार इसकी अधिकता नुकसानदेह भी हो सकती है। पपीता एक ऐसा फल है जो पोषण से भरपूर होता है। इसमें बहुत से औषधीय गुण भी हैं। इन गुणों के कारण इसकी अपनी खास पहचान होती है। चाहे कच्चा पपीता हो या पक्का, दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद हैं। पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, कैरोटीन, फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पपीते में कुछ मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। एक छोटे पपीते में लगभग 60 कैलोरी होती है। आइए जानते हैं पपीता खाने से होने वाले फायदे के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, ताकि जब भी कोई खास वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें। नंबर एक, अगर आपके ओठों में झुर्रियां हैं तो पपीते का सेवन करें। पपीता कब्ज, ब्लोटिंग और पेट की अन्य समस्या को दूर करने के साथ ही झुर्रियों को भी दूर करता है। इसके अलावा पपीते को एक कटोरे में पीस लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें। इससे आपका पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आधे घंटे तक ओठों पर लगाएं, फिर पानी से धुल लें। कुछ ही दिनों में आपके ओठों की झुर्रियां गायब हो जाएंगी और आपके ओठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। नंबर दो, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पपीते का सेवन करें। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। पपीते में फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिनके कारण आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और आपको वजन कम करने में आसानी होती है। नंबर तीन, आँखों की रोशनी बढ़ाने में पपीते का सेवन बेहद फायदेमंद होता है। पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी कामगार है। नंबर चार, पपीते का ये फायदा सब जानते ही हैं। पपीता पाचन में बहुत फायदा करता है। पपीते के सेवन से शरीर को कई जरूरी तत्व तो मिल जाते हैं। इसमें पोपेन समेत कई पाचन एंजाइम और कई डायट्री फाइबर्स होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और फोलेट आदि पाए जाते हैं, जो कब्ज से बचाते हैं। नंबर पाँच, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने के लिए जिस खास पौष्टिक तत्व की जरूरत होती है उसका नाम है मैग्नीशियम। यह एक ऐसा मिनरल है जो पपीते में पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वह लोग अपनी डाइट में पपीते का सेवन रोजाना शामिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें सूदिंग गुण भी पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने के बाद होने वाली बॉडी रिएक्शन से आपको राहत दिलाने में काम आ सकता है।